हाय फ्रेंड्स, दिस इज तरुण नायक। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू तरुण चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जिसको हम हिंदी में लॉस ऑफ पॉ तथा मॉस ऑफ पॉ बोलते हैं, जिसे आप देखकर ही आंसर बता सकते हो। उसी शॉर्टकट फार्मूला हम अपनाएंगे। तो अगर हमारे चैनल में आप पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पहले हम जान लेते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस एलसीएम मतलब जिसको हम लॉस ऑफ पॉ बोलते हैं, उसको हिंदी में हम लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं, और एचसीएफ का मतलब जो मॉस ऑफ पॉ है, उसको महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो एलसीएम तो ऐसे हम दो टाइप्स के कर सकते हैं, जिसको हम एलसीएम मेथड कहते हैं, और दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड। तो हम वो दोनों मेथड में से आज नहीं करने वाले हैं, हम शॉर्टकट मेथड को अपनाएंगे। तो उसमें आपको जानने के लिए दो कंडीशन आपको अपनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है और सेकंड कंडीशन क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, इफ स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड टू बिगेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर के साथ डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है। और कंडीशन नंबर टू है, इफ इट्स नॉट डिविजिबल, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कंडीशन नंबर वन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, एलसीएम ऑफ 15 और 30। 15 और 30 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 30 और छोटा नंबर है 15। तो ये 15 30 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो 30 के साथ 15 डिविजिबल है, क्योंकि 15 2 जा 30 है। तो 30 के साथ अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 को काट लेते हैं और 30 उसका आंसर है, क्योंकि एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल यहाँ पर है, तो सबसे छोटा से छोटा अंक अगर बचा जाए तो यहाँ पर हम बड़े नंबर को लेना पड़ेगा। तो 30 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, एलसीएम ऑफ 5, 10 और 20। ये तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 5, फिर उससे बड़ा नंबर है 10, फिर उससे भी बड़ा नंबर है 20। तो 5, 10 के साथ डिवाइड हो रहा है क्या, उसको हम पहले देखेंगे। तो ये बिल्कुल हो रहा है, तो 5 को हम यहाँ पर काट देते हैं। देन हम यहाँ पर देखते हैं 10, 20 के साथ डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है, तो उसको हम 10 को भी काट देते हैं यहाँ। तो बाकी रहा यहाँ पर 20, तो 20 उसका आंसर है। तो ऐसे आप देखकर ही आंसर बोल सकते हो। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर दिया है एलसीएम ऑफ 12, 24 और 48। ये तीनों में से हम देखेंगे 12, 24 के साथ डिवाइड हो रहा है क्या। ओके, हो रहा है, तो 12 को भी यहाँ पर काट देते हैं। नेक्स्ट 24, 48 के साथ डिवाइड हो रहा है क्या, उसको देखते हैं। तो ये भी हो रहा है उसके साथ, तो 24 भी उसका आंसर नहीं होगा। तो 48 रह गया है, तो ये 48 उसका आंसर है। अगर हम 12, 24 और 48 का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया तो हम देखकर ही आंसर बोल सकते हैं कि 48 उसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर डी, 10, 20, 40 और 80। यहाँ पर 4 अंक दिया गया है, तो 10, 20 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 10 को काट लेते हैं। फिर 20, 40 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 20 को काट लेते हैं। फिर 40, 80 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 40 को भी काट लेते हैं।
तो यहाँ पर बाकी रह गया 80, तो 80 यहाँ पर एलसीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, 5, 10, 20 एंड 60, ये चारों अंक में से कौन सा उसका एलसीएम होगा। तो 5, 10, 20 और 60 में से आंसर किसको निकालोगे बोलेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली 60 हो जाएगा, क्योंकि देखो 5, 10 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 5 को काट लेंगे, 10, 20 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 10 को भी काट लेंगे, फिर 20, 60 के साथ भी डिवाइड हो रहा है तो 20 को भी काट लेंगे, तो बाकी रह गया 60, तो 60 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, 15, 45, 90 और 180, ये चारों में से कौन सा नंबर एलसीएम है उसी को देखेंगे। तो 15, 45 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 15 को काट लेंगे, देन फिर 45, 90 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 45 भी उसका आंसर नहीं होगा, फिर 90, 180 के साथ भी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर बाकी रह गया 180, तो वो है आंसर। तो ये गया हमारा कंडीशन नंबर वन, जो डिविजिबल होता है उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। देन हम आते हैं अगर डिविजिबल नहीं हुआ, इफ द स्मॉलेस्ट नंबर नॉट डिविजिबल बाय हाईएस्ट नंबर, अगर वो डिविजिबल नहीं हो रहा होगा तो उसी कंडीशन में हम कैसे उसी नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, 25 है यहाँ और यहाँ है 30, तो 25 तो यहाँ 30 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसी कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे एक हम नंबर लेंगे जो दोनों के साथ डिविजिबल हो रहा होगा, तो ऐसे बड़ी से बड़ी नंबर लेंगे, तो बड़ी नंबर है यहाँ पर 5 को अगर 25 के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 होगा फिर, तो उसी 5 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 × 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 उसका आंसर निकल के आएगा, तो वो 150 क्या है उसका एलसीएम है। 25 और 30 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 150 उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, 30 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आंसर कितना बनेगा। तो यहाँ पर भी देखो 30, 40 के साथ तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम ऐसे नंबर लेंगे दोनों में जो बड़े से बड़े नंबर होगा, जो दोनों की तरफ से डिवाइड होने वाला ऐसा ही नंबर लेंगे। तो यहाँ पर है 10 को अगर 30 के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा उसका आंसर, तो उसी 3 को हम 40 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 × 40 अगर करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 120। तो 30 और 40 दोनों को अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 120 उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, 20, 50 और 80 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम देखकर कैसे बता सकते हैं। वैसे हम अगर देखेंगे तो 20 तो 80 के साथ डिवाइड हो जा रहा है पहले से ही, तो हम 20 को काट लेते हैं पहले से, फिर अगर हम 50 और 80 को अगर देखेंगे तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक कंडीशन के बराबर हो गया है, तो अभी हम ऐसे नंबर लेंगे जो कि 50 और 80 के साथ डिवाइड हो रहा होगा। ऐसे बड़े से बड़े नंबर अगर लेंगे तो 10 होगा, तो 10 को अगर 50 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 5, और 5 को अगर हम 80 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400, तो यहाँ पर 400 उसका एलसीएम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, 12, 20 और 30, ये तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर पहले हम ऐसे नंबर लेंगे जो कि दोनों के साथ डिवाइड हो रहा होगा। ऐसे बड़े से बड़े नंबर अगर हम लेंगे तो कौन सा होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 20 के साथ भी डिवाइड है और 30 के साथ भी डिवाइड है,
तो यहाँ 30 के साथ अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को 20 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60, और अभी बचा 12 और 60, ये दोनों के अगर एलसीएम निकालेंगे तो 12 ऐसे भी देखो 60 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 12 5 60 है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा बन जाएगा, 60। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आपको एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक मेथड समझ में आ गया होगा। देन हम और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं एलसीएम और एचसीएफ को लेकर, आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं पार्ट टू एलसीएम और एचसीएफ भी बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।